आज हम सभी की शुरुआत एक बेहद दुखद खबर से हुई है, जब बॉलीवुड के दिग्गज सिंगर के का हार्ट अटैक से निधन हो गया है। ऐसी कई हस्तियां हैं जिन्होंने अपनी अचानक हुई मौत से पूरे देश को झकझोर कर रख दिया, जिनमें से सबसे हाल ही में के हैं। केके के नाम से लोकप्रिय गायक कृष्ण कुमार कुन्नाथ का 31 मई को 53 वर्ष की आयु में निधन हो गया। कोलकाता के नजरुल मंच में एक लाइव प्रदर्शन के बाद वे अपने होटल वापस चले गए, जहां वे बीमार पड़ गए। उन्होंने अस्पताल में लाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। आज हम आपको बताएंगे इसी तरीके से संदिग्ध और अन्य हस्तियों की निधन की खबर। के भारतीय फिल्म उद्योग में सबसे वर्सटाइल गायकों में से एक थे। उन्होंने हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और बंगाली सहित कई भाषाओं में सुपरहिट गाने दिए हैं। के को कथित तौर पर दिल का दौरा पड़ा था। संगीत कार्यक्रम के बाद गायक गिर गए और उन्हें शहर के एक निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। तो वहीं इस लिस्ट में शामिल होते हैं दूसरे सिद्धार्थ शुक्ला। 2 सितंबर 2021 को दिल का दौरा पड़ने के बाद सिद्धार्थ शुक्ला के शरीर को मुंबई के कूपर अस्पताल ले जाया गया था। उससे पिछली रात उन्हें बेचैनी महसूस हुई थी और सोने से पहले उन्होंने कुछ दवाइयां ली थी। हालांकि वे सुबह नहीं उठे। उनकी माँ रीता शुक्ला ने उन्हें जगाने की कोशिश की और उनकी बहन को बुलाया, जो उसी इमारत में रहती है, लेकिन सिद्धार्थ ने कोई जवाब नहीं दिया। दिवंगत अभिनेता 3 सितंबर 2021 को ओशिवारा में अंतिम संस्कार किया गया। इस लिस्ट में शामिल होता है दूसरा नाम सुशांत सिंह राजपूत का। सुशांत सिंह राजपूत 14 जून 2020 को मुंबई में अपने आवास पर मृत पाए गए थे। उन्होंने कई व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों में अभिनय किया है, जैसे कि MS धोनी, अनटोल्ड स्टोरी, केदारनाथ और छिछोरे। उनकी आखिरी फिल्म दिल बेचारा 2020 मरणोपरांत हॉटस्टार पर रिलीज हुई थी। मुंबई पुलिस ने भी बाद में उनकी मौत पर जांच शुरू की। 19 अगस्त 2020 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र जांच ब्यूरो यानी CBI को जांच का नियंत्रण लेने की अनुमति दी थी। सुशांत की संदिग्ध मौत पर यही कहा जाता है कि वो सुसाइड था या मर्डर। तो वहीं इस लिस्ट में शामिल होता है श्रीदेवी का नाम। श्रीदेवी ने 2018 में दुबई में अंतिम सांस ली, जबकि शुरू में ये माना जाता था कि कार्डियक अरेस्ट से पीड़ित होने के बाद उनका निधन हो गया। उनके बहनोई संजय कपूर ने मीडिया को बताया कि वह कार्डियक अरेस्ट था, जिसके कारण उनकी मौत हुई है। हालांकि श्रीदेवी का मृत्यु प्रमाण पत्र से पता चला उनकी मौत का कारण दुर्घटनावश में डूबना है। अभिनेत्री के पार्थिव शरीर को बाद में मुंबई लाया गया, जहां उनके अंतिम संस्कार भी किया गया। इस लिस्ट में आगे नाम शामिल होता है प्रत्युषा बनर्जी का। बालिका वधू में आनंदी का किरदार निभाने वाली प्रत्युषा बनर्जी ने 1 अप्रैल 2016 को अंतिम सांस ली। उनकी मृत्यु के समय वह 24 वर्ष की थी। अभिनेत्री को उनके गोरेगांव स्थित आवास पर लटकाया पाया गया था। उन्हें उनके लिव इन बॉयफ्रेंड राहुल राज सिंह द्वारा अंधेरी के एक अस्पताल में ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया था। जिया खान 3 जून 2013 को मुंबई में जुहू स्थित अपने अपार्टमेंट में मृत पाई गई। वह पंखे से लटकी हुई थी। अपनी मृत्यु से पहले अभिनेत्री अभिनेता सूरज पंचोली के साथ रिश्ते में थी। अभिनेत्री की बहन को कथित तौर पर उसके प्रेमी सूरज पंचोली को संबंधित 6 पत्रों का एक सुसाइड नोट भी मिला था। पत्र ने संकेत दिया कि जिया ने अपना जीवन समाप्त करने की योजना बनाई और अपने और सूरज के बीच कुछ झगड़ों के बारे में भी लिखा था। जुलाई 2014 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने CBI को मामले की जांच के लिए आदेश भेजे थे, लेकिन उस मामले पर क्या हुआ ये किसी को नहीं पता। परवीन बॉबी की 2005 में कई अंगों की विफलता से मौत हुई थी। अभिनेत्री का शव उनकी मृत्यु के 4 दिन बाद उनके फ्लैट में मिला था। आज हम परवीन बॉबी को उनके ही समय की बॉस लेडी के तौर पर याद करेंगे। उन्होंने देवर, नमक हलाल, अमर अकबर एंथनी और शान जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में अभिनय किया है। दिव्या भारती 5 अप्रैल 1993 को अंधेरी वेस्ट के वर्सोवा में 5वीं मंजिल पर अपने अपार्टमेंट की बालकनी की खिड़की से गिर गई। अभिनेत्री को कूपर अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। उनकी मौत का आधिकारिक कारण सिर से गंभीर चोट और आंतरिक रक्तस्राव बताया गया। दिव्या की मौत के बाद कई षड्यंत्र के सिद्धांत सामने आए, जिनमें से कई ने दावा किया कि यह एक सुनियोजित हत्या थी। दिव्या भारती ने अपने छोटे से करियर में 20 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। उन्होंने 1990 में तेलुगु फिल्म बॉबीली राजा ने से अपनी शुरुआत की थी।
दिव्या भारती ने विश्वात्मा से हिंदी फिल्मों में डेब्यू किया था। तो वहीं इन सारी लिस्ट में जो हमारे एक्टर्स शामिल हैं, हमारे अभिनेता शामिल हैं, सिंगर शामिल हैं, ये मौत आपातकालीन थी या फिर संदिग्ध, ये तो राज उन्हीं के साथ चला गया। इसी के साथ ये वीडियो मैं एंड करती हूँ और ज्यादा अपडेट्स और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कॉमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।